नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेके आया हूँ जिससे बचना सब चाहते हैं पर उसके रूल्स को फॉलो कोई नहीं करना चाहता। उस टॉपिक का नाम है हार्ट अटैक। आए दिन जिम में उसी हार्ट अटैक की वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ होती है, किसी को तो पता भी नहीं चल पाता। तो इसलिए इस टॉपिक को मैं आज कवर करना चाहता हूँ। और आप आजकल जिस भी जिम में जाओगे वहाँ पर भी आपको 99% अनएजुकेटेड अनसर्टिफाइड ट्रेनर मिलेंगे। वो जब बहुत से ऐसे भी लड़के होते हैं आपके गली मोहल्ले में, वो जिम जाते हैं, उनका जिम जाने के बाद एक दो इंच साइज बढ़ गया, वो भी आपको एडवाइस करने लगते हैं तुझे ये लेना चाहिए, वो तुझे वो लेना चाहिए। तो इसलिए आपको कुछ भी चीज़ लेनी चाहिए तो एक सर्टिफाइड कोच से बात करें। दूसरा, अगर आपके पास सर्टिफाइड कोच नहीं है तो आप ऐसा करें कि आप अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएं। जब कभी भी आपका वेट गेन हो, जब कभी भी आपका साइज इंक्रीज हो, तो आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए। उसमें आपके हार्ट से रिलेटेड और प्रोटीन से रिलेटेड सारी उसमें आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी। जैसे कि आपके ट्राइग्लाइसराइड बढ़े हुए हैं, ट्राइग्लाइसराइड हार्ट अटैक की सबसे ज़्यादा, जितने भी हार्ट अटैक इंडिया में हो रहे हैं आज की वजह से, आज के टाइम में, वो ट्राइग्लाइसराइड की वजह से हो रहे हैं। तो इसलिए आपको ट्राइग्लाइसराइड, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को चेक कराते रहना चाहिए। उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल का भी टेस्ट आ जाता है, प्रोटीन का भी आ जाता है, हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए अगर आपका ट्राइग्लाइसराइड या बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही कोई भी आप सप्लीमेंट लें, कुछ भी लें। भाई सप्लीमेंट, प्रोटीन, आजकल प्रोटीन के बारे में बहुत सारे कोच, आप जाओगे ये कह देंगे तुझे तो 2 से 3 स्कूप की ज़रूरत है, तुझे तो इतना प्रोटीन लेना चाहिए, तेरा तो साइज उससे ही आएगा, ये होगा वो होगा। भाइयों प्रोटीन में बहुत से लड़कों को जैसे गेनर दे देते हैं, मसल गेनर दे देते हैं, मास गेनर दे देते हैं, प्रोटीन भी दे देते हैं और एक आइसोलेट भी होता है। तो ये आइसोलेट को छोड़ दिए, जितने भी प्रोटीन होते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा कार्ब होता है, फैट होता है, तो ये हमारी बॉडी में ट्राइग्लाइसराइड को बढ़ा देते हैं। और प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा लेनी भी नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को 30 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जिससे कि आप एक ही स्कूप में 30 ग्राम प्रोटीन ले लेते हो। आपकी घर की डाइट जो होती है, एग्स होते हैं, फिश होती है, चिकन मटन जो भी खाते हो आप, पनीर खाते हो, स्प्राउट्स खाते हो, और ये बहुत सारे क्या कहते हैं, ये बीन्स खाते हो, और ये दाल वगैरह, बहुत सारे रोटी, और ये पीनट बटर में ये ट्राइग्लाइसराइड बहुत ज़्यादा होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है उससे, और प्रोटीन भी उसमें होता है। तो इसलिए आप जो भी कुछ खाएं एक मात्रा में खाएं, हमारी बॉडी को कितना रिक्वायर है उसी रिक्वायरमेंट की आपको ही फुलफिल करें, ना कि आप अनएथिकल तरीके से कोई भी कोच आपको बता रहा, कोई भी लड़का आपका दोस्त बता रहा इतना ले ले वो ले ले ये कर ले, तो ऐसा ना करें। आप जो भी कुछ लें एक अच्छे सर्टिफाइड कोच से पूछ कर करें, नहीं तो अपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएं, अपने डॉक्टर से सलाह लें, फिर उसके बाद कुछ भी लें। एक टॉपिक तो ये हो गया। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को, जैसे जिनका वेट गेन हो जाता है, उन्होंने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट नहीं कराया, अब फिर उन्हें पता कैसे चलेगा हमें हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता। जिनका वेट गेन होगा उन्हें इस चीज़ की संभावना कम से कम 50% रहती है। तो उनसे, उन्हें कैसे पता चले कि हार्ट अटैक होने वाला है? हमारा ये जो मसल मास है ना, ये वाला हिस्सा, इसमें आपको खिंचाव सा महसूस होने लगेगा कभी कभी 24 घंटे में, कभी 5 से दिन में भी होगा, डेली नहीं होगा, 1-2 दिन रुक के होगा, इसमें खिंचाव आने लगेगा इस तरफ के सीने में। कब किसी भाई के इस तरफ की जगह इधर भी होता है, तो आप अपना उस टाइम पे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएं। वो खाली पेट होता है और किसी भी लैब से कराने, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस टेस्ट को कराने के बाद आपको ये पता चल जाएगा आप किस स्टेज पे हो, आप सही वे में जा रहे हो या रॉन्ग वे में कोई आपको गाइड कर रहा है। तो इसलिए आप फिर अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराओगे तो आपको ट्राइग्लाइसराइड ये सब घटाने का टाइम मिल जाएगा, और प्रोटीन भाई कुछ भी, जैसे आपको ट्राइग्लाइसराइड या कोलेस्ट्रॉल ये जो बढ़ा, तो इसमें तो उसमें बॉर्डर लाइन होती है कि 150 से 200 के बीच में
आपकी बॉर्डर लाइन है भाई इतना होना चाहिए, उसके बाद आपकी बॉडी को आपके हार्ट के लिए हार्मफुल है। बट बात यह है कि प्रोटीन 30 ग्राम से ज़्यादा 30 से एवं जाएगा ना पॉइंट ऑन में भी तब भी वो हार्मफुल है। तो इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह है ना इसे तो आप कंट्रोल कर लोगे। प्रोटीन अगर थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा बॉडी में तो उससे किडनी फेलियर के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। किडनी फेल एक बार हो जाएगी, हर चीज़ का सॉल्यूशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में, किडनी का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए आप प्रोटीन इनटेक अपना बॉडी के अकॉर्डिंग ही रखें, उससे ज़्यादा ना लें। आप उसे टेस्ट को कराते रहें, उससे आपको पता रहेगा प्रोटीन इनटेक आपकी बॉडी में कितना है, मुझे कितना लेना है, कितना स्किप करना है। तो इसलिए मेरा ये टॉपिक आज बस यही था कि भाइयों हार्ट अटैक से बचें, उल्टी सीधी ये सप्लीमेंट ना लें, अनसर्टिफाइड कोच के पास ना जाएं, एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज करें, वो ज़बरदस्ती आपको स्टेरॉयड ये प्रोटीन सप्लीमेंट इनमें भी क्या आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है, आपको मांस गेनर खा रहे हो, मसल गेनर खा रहे हो इनसे और प्रोटीन खा रहे हो, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल होगा जो आपकी बॉडी में बढ़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस टाइम पर आपका साइज सबसे ज़्यादा होगा उस टाइम पर ही ये बढ़ता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। जिस टाइम पर आपका साइज आएगा बॉडी में उस टाइम पर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए आप टेस्ट कराएं उस टाइम पर जाके, तभी कोई सप्लीमेंट लें। मेरी तो आपसे यही सलाह। नमस्कार दोस्तों।